आज मैं आपको डेनमार्क लेके चलता हूं। एक किताब है द लिटिल बुक ऑफ लाइक, जो बहुत अच्छी किताब है, जो मुझे बहुत पसंद आई किताब, छोटी सी किताब है और ये किताब माइक वाइकिंग की द्वारा लिखी किताब है। ये बेसिकली ये बताता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, मोस्टली डेनमार्क के लोग इतने खुश क्यों हैं। आप भी खुश होना चाहते हैं, मुझे पता है हम सबको खुशी बहुत ही प्यारी है, बट ऐसा क्या है कि वो देश इतना हैप्पीनेस में इतना आगे है। तो मुख्य बातें हैं, तीन चार बातें हैं, तीन बात मैं आपको बताता हूं, ओनली थ्री पॉइंट्स। पहली बात ये है कि अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक ऐसा जुड़ाव। एक सवाल ये है कि एक बच्चे के कितने पेरेंट्स होने चाहिए। एक बच्चे का नॉर्मल थॉट में तो एक ही पेरेंट होता है। एक 1967 में एक आर्टिकल लिखा गया, वो ये कहता है, कहते हैं कि अ चिल्ड्रन शुड हैव 100 पेरेंट्स, मतलब पूरी सोसाइटी उसकी पेरेंट है। वो सिर्फ माँ बाप और बच्चे का रिश्ता नहीं है, एक बच्चे का रिश्ता पूरी सोसाइटी के साथ, एक कम्युनिटी के साथ है। तो सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर खुशी ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप वॉलंटियर करिए, बाहर जाके काम करिए, कम्युनिटी के लिए काम करिए। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आमतौर पर यह सोचा जाता है कि वेल्थ, पैसा और कंट्री का खुशी बराबर है। ऐसा नहीं है। एक कंट्री है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया में बहुत लोग बहुत अमीर है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड साउथ कोरिया में ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा बहुत ज़्यादा देश आगे बढ़ेगा, जीडीपी बहुत अच्छा है तो लोग बहुत खुश हैं, उसका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। क्या खुश रखता है हमें, वो है एक्सपीरियंस और एंटिसिपेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। मतलब खुशियाँ आती हैं एक्सपीरियंसेस से, और एक्सपीरियंसेस बनता है जब आप ट्रैवल करते हैं, जब आपके पास कम्युनिटी में ट्रस्ट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, जो तीसरा रीज़न है कि डैनिश लोग बहुत खुश हैं, वो ये है कि वो उनका जो पूरा दिनचर्या है वो इतना इस तरीके से उन्होंने सेट किया हुआ है। साइकिलिंग फॉर एग्जाम्पल उनको फिट रखता है, उससे पॉल्यूशन कम होता है, ट्रैफिक जैम्स नहीं होते हैं, समय बचता है, लोग चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो साइकिलिंग एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है उनकी कम्युनिटी में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्यों डैनिश लोग खुश क्यों होते हैं, खुश रहते हैं। तो अगर कम्युनिटी में ट्रस्ट होगा, जेनरस होंगे कम्युनिटी, हम एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, और बच्चों का ख्याल सिर्फ पेरेंट्स नहीं पूरी सोसाइटी लेती है, जब हमको पता है कि आने वाला समय अच्छा होगा, जब हमको पता है कि हमारा पैसा जो हम इनकम टैक्स देते हैं वो सही इस्तेमाल होगा, इसे डैनिश लोग को विश्वास है कि इनका पैसा जो है वो अच्छा इस्तेमाल होता है, तो खुशियाँ ऑब्वियसली बढ़ेंगी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक काम जो मैं तुरंत मैंने सीखा है वो ये है कि सीखा मुझे पता पहले से था, इससे और कन्फर्म हुआ, ये है कि बच्चे की परवरिश जो है वो सिर्फ पेरेंट्स नहीं करते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल क्या है। तो हम हमारा स्कूल है वहाँ पे हम ग्रैंड पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हैं, ताकि वो भी बच्चों की परवरिश में हेल्प कर सके। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में लोग खुश ज्यादा क्यों हैं। ऑब्वियसली मैं फुल जस्टिस तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ। आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, दिस इज अ वेरी गुड बुक, एंड पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इस किताब को लेके थोड़ा बहुत अपने लाइफ में डालिएगा, कहीं ना कहीं 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 फिट करिएगा। फॉर एग्जांपल थोड़ा साइकिलिंग करिएगा, गाड़ी कम चलाइएगा तो अच्छा रहेगा, वॉकिंग करिएगा, सो थिंग्स लाइक दैट। आई थिंक दैट्स व्हाट द बुक सेज, एंड आई थिंक हम जो ये शॉर्ट समरी कोशिश कर रहे हैं लोकल लैंग्वेज में, ये लॉजिक ये है कि अगर अच्छी बातें सिंपल लैंग्वेज में बड़े बड़े लोगों की लिखी गई आपको बता सकते हैं, तो शायद आपकी लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। एक वेबसाइट है yetray.com में जाइए प्लीज़, ऐसे हजारों किताबें हमने इकट्ठा की हैं, डैट माइट हेल्प यू, देखिए प्लीज़। और अगर कुछ और फीडबैक सजेशन हो बताइए, थैंक यू सो मच।